भैया पॉपकॉर्न मांग रहा है। फर्स्ट टाइम इन मुंबई। यस कल मिलेंगे। तेरे को तो अच्छा लगता है ना कि भगवान ने क्या भाई दिया है तुझे। मेरे को अभी अजीब सा लग रहा है कि इसको इतना मन था अभी ये रहा। हैप्पी दशहरा डैडी। सो के उठे पापा बेचारे। भैया न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जाओगे? बिना टिकट के जाएंगे हम। देखो अभी टिकट तो ली नहीं, और यहाँ गुरुजी बोलते हैं कि 9 बजे के बाद टीसी तो आता नहीं है, तो फिर ऐसे कुछ है। देखो ये खतरों के खिलाड़ी खिलवा रहा है हमसे। एंजॉयमेंट होनी चाहिए, सीट तो देंगे। तो भाई साहब अभी पहुंचे हैं हम नाला सुपारा, अंशुल के घर जा रहे हैं। बड़ा है स्टार, इधर दे स्टार है तू तो पाड़ दिया। पाड़ 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 यार, नया लिया, 5 रुपए का वेस्ट हो गया ना। आप 5 रुपए मैं खरीद के दे दूंगा, 10 वाला। बात 10 वाली की नहीं, पैसे तो फिर भी जाएंगे। तो चुप रहना, चिढ़ क्यों रहा है? चिढ़ नहीं रहा, तेरे भी पैसे जाएंगे, वो भी पैसे जाएंगे। हंस What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So mummy happy dashera, tumhe bhi happy dashera, same to you. So meri jitni bhi public hai sabko meri taraf se aur meri family ki taraf se happy dashera to everyone. Jitne bhi log dekh rahe hai na mere ko pyar karne wale hain, jo log bhi nahi dekh rahe unko bhi, sabko puri duniya ko happy dashera. Baki hamare papa bhi aa jaye hain jo ki so rahe hain abhi. Aur mere ko bahut sare log puche the ki vlog mein papa nahi dikhte, kyunki mere papa jo hai posting gaye the Gorakhpur, to iski wajah se. But papa ki abhi chutti hai to dashera ke liye papa aaj aaye hain. Mega happy dashera to you. माता, मेरी माता अभी जस्ट सो के उठी है। आप लोग का पहली बन गया क्या दशहरा? अब 2 बज गए सुबह से। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट आया था इसकी वजह से, बट अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ टीका वीका लगाने के लिए। चलो भाई हैप्पी दशहरा डैडी। सो के उठे पापा बेचारे, पापा कल रात को आए थे। फुल दशहरा का सेटअप रेडी है। आशीर्वाद बनाए रखना। आशीर्वाद है इसको, मुझे दो ना। ऐसे मेहनत करता रहे, मेहनत करता रहे, मेहनत का फल मिलता रहे। yes. और माँ बाप के आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता उनके बिना, है ना। जल्दी जल्दी बहू लाए, तो बहू तो पड़ा। नहीं पहले लाइफ में कुछ करें, फिर उसके बाद बहू लाए। अब इसको क्या पैसे देना, अभी पैसे पैसे भी मिलते हैं। लाओ दो, क्यों देना, क्या लो, ऑटो का खर्चा बचेगा। लाओ 500 रुपए मिल गए तेरे लिए, हमने अपना बाइक कुर्बान कर दिया। बाइक तेरे से बढ़कर नहीं है, ठीक है? मैंने तो भाई मना किया अभी तो। मम्मी बोल रही, मम्मी का अलग ही मन पक रखा है क्योंकि मैंने मना कर दिया करके, मम्मी अलग ही सैड हो रखी है। तो रात भर नींद नहीं आ रहा था। अच्छा, इतनी देर तक कसम भगवान, मैं तेरे को बोल भी रही थी अभी, बोला कि नहीं? मेरी मम्मी ने तो मेरे को बोला है कि दैट कि यार तू ले 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 करके, बट मेरी मम्मी ने ऑन द वे मुझे प्राइस बता दिया मेगा का फीस का, तो मेरा ना दिमाग एकदम से स्विच हो गया। मेरे को पता है, देखो मेरे को भी बुरा फील हो रहा है, बट फिर वही है ना, मेगा का जो है, मेगा से बढ़कर कुछ नहीं है ना मेगा। तेरे को तो अच्छा लगता है ना कि भगवान ने क्या भाई दिया है तुझे। मेरे को अभी अजीब सा लग रहा है कि इसको इतना मन था अभी ये नहीं ले रहा है। तो बोल भी रही थी, पता है? मैंने मम्मी को बोला था कि अभी नहीं बताएंगे जब तक बाइक नहीं आएगा। नहीं, पहले हमारा डिसाइड वही हुआ था। तो ये तो फिर बाद में, अगर मेरे को पता चलता, मेरे को सबसे ज्यादा बुरा लगता कि लोगों ने बाइक खरीदने के बाद मुझे बताया। शुक्र मम्मी ने पहले बता दिया। मैंने कल इसको बताया भी, ऐसे भी मैं बताया था कि मतलब कि ये बाइक ना खरीदे, जो कि मम्मी चाहती थी वो मैंने नहीं किया। ऐसे में मैंने बोला चल अभी बाइक ले ले, उसके बाद और ज्यादा थोड़ा मेहनत करना है क्योंकि अब मेगा को भेजना है। हाँ। तो फिर इसने पूछा कितना लगेगा, मैंने बोला इतना इतना लगेगा। तो ये अब मुझे पूरे उसमें ना ऑटो में बाहर विंडो के बाहर देख के सोचने लग गया कि क्या करूँ, लू की नहीं, यही चलता रहा भाई मेरे अंदर। बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, तो फिर ये कैंसिल कर देगा। अच्छा, पता लग जाएगा तो कैंसिल कर देगा? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि मेरे को अब ऐसा फील हो रहा है कि जो मैंने डिसीजन लिया वो सही ही लिया। बिकॉज मैं अगर इधर वो कर देता तो फिर मेरे को और दुगना मेहनत करना पड़ता, वो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, बट फिर वही सीन है ना दैट कि वो मेरे को ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ मनी हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मेरी लियो है, बाइक है मेरे पास, तो मैं दूसरा बाइक लेके फिर क्या करता। तो इसकी वजह से मैंने बोला चलो ठीक है, जो है वो खुश रहो। आने वाले टाइम में वो 22 लाख का लिया है। ये हुई ना मेरी मम्मी की बात, क्या पता आने वाले टाइम पे सीधा 22 लाख, अभी तो 4 लाख वाली भले पैसे होंगे, बट वो मेरा मन होता ना कि यार इतना महंगा। मम्मी ऐसा तो नहीं होगा फिर, देखो मैं वेट कर रहा हूँ मेगा का फीस होने के बाद, फिर मैं बाइक लेने जाऊंगा, फिर आप बोल दोगे भाई घर भी लेना है मुंबई में, फिर उसका अलग। फिर मन में ऐसा था कि मेरे को आपका
से एक बाइक लेगा, उसके बाद फोकस करना है इसका। हाँ। जब ये बाहर जाएगी तो भाई तूने अपने दीदियों के लिए इतना कुछ कुर्बान किया है, मतलब दीदी की शादी में इतना लगाया इसको बाहर जाने में, तो कल के दिन ये लोग भी तो हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स वो तो करना पड़ेगा, करेंगे क्या, वो करना पड़ेगा। हैप्पी दशहरी, हैप्पी दशहरा दीदी। फर्स्ट टाइम इन मुंबई, फर्स्ट टाइम इन मुंबई। अजय भाई जल्दी जल्दी आओ, मजे करेंगे। बहुत याद किया यार आज मैंने सबको, तुम लोग को। अच्छा। हमने भी बहुत मिस किया, सुना 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 लग रहा था, बहुत रोना जैसा आया मुझे। हाँ। रोना जैसा आया। यस कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। ओके तो भाई रिहर्सल वगैरह जितना भी था वो हो चुका है, और मेरे को ना मना कर दिया भाई, मेरे को ना इतनी गाली पड़ी चैनल की तरफ से कि आकाश अभी तक रिवील नहीं हुआ है, शो लॉन्च नहीं हुआ, और तुम जो है व्लॉग में बता रहे हो कौन कौन है। तो भाई बहुत डांट पड़ी, फिर मैंने उनको सॉरी वरी बोला, फिर एक जो व्लॉग था जिसमें झलक फुल वो था ना, उसमें फिर वो मैंने प्राइवेट कर दिया। बाकी एक और मैं चीज़ बताऊँ, मेरा जो ऋतिक है उसने दाढ़ी वाड़ी कटवा के ना एकदम से ना, ये देखो भाई मीठा बन गया, फ्रेंड्स हो गए, मतलब गलत ना लेके जाए यार ये लोग, मैं बता रहा हूँ गलत ले जाओ गाइस, ये लेके जाओ घर तक लेके जाओ गलत। नहीं नहीं मैं सच्ची बोला, वो इंटेंशन से नहीं बोलते यार, बंद कर दो लेके जाके। नहीं क्योंकि हमारी जो भारती दीदी ना हर्ष भारती, उन्होंने क्योंकि हमारी जो दीदी है ना हर्ष भारती, उन्होंने हमारा नाम रखा है कि फ्रेंड्स योगेश और मेरा। बाकी तो मैं ये बोल रहा था कि अपना मूवी देखने जा रहे हैं आज, और आज गया नहीं ना कल गया, कसम वसम चढ़वा दी, मैं तो बोल रहा 2 साल तक यहीं रहे, घर वालों से गाली खा है भाई, अब मैं सुन नहीं पाऊंगा कि हमारे लिए मर चुका है, तू मत आ, तू मुंबई का हो गया लाला, 2 साल बाद शादी वादी करके जाए बच्चों के नाती है भाई, सब घर पे लेना बंद कर देंगे भाई इसको सच्ची में। बाकी तो हम वो मूवी, अबे सुनना यार वो वाला नहीं था यार, लियो मूवी नहीं था, मैंने वो कर दिया रानीगंज अक्षय कुमार की मिशन, क्योंकि भैया बोल रहे थे बेटे भैया मेरे को कि मेरी पिक्चर देख, तो फिर इसलिए मैंने बोला चलो मूवी देख लेते हैं। अंगी बाली तक सब चेंज है भाई, तू ऐसा क्या, देखो बंदा ना तभी चेंज होता है जब लाइफ में कोई आती है भाई, ये वही वाला सीन लगता है, देख तू चिकना हो गया। मैं घर जाने वाला था इसलिए शेव कर रहा था, मेरी मम्मी को दाढ़ी पसंद नहीं है वैसा, इसलिए। हम तीनों की जो दोस्ती है ना, मैं तो कहता हूँ हमारे मम्मी पापा रोमांस करना छोड़ देते ना उस रात तो यार ये जो 3 मिली भगत है ना ये नहीं होते यार। अच्छा तो लग रहा है, ऐसा नहीं है ठीक है, पॉपकॉर्न मांगे थे तो फ्री में दे देंगे क्योंकि उनको कंफ्यूज हो जाएंगे ना, लड़का है लड़की क्या, बॉय कट में लड़की, ये अपने 2-3 साल से ऐसे घूमता है तब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरे को ना क्या है ना, ये ना नया लग रहा है एकदम स्वीट लग रहा है गुलाब जामुन, तो क्या है ना वो अभी अभी रैपर से निकला है। हाँ अभी जस्ट रैपर से निकला है तो वो बहुत फ्रेश लग रहा है, अब मैंने 2 साल पहले ही कटा लिए थे। भैया भैया पॉपकॉर्न मांग रहा है भाई, रिहर्सल कर रहा था, पॉपकॉर्न मांग रहा, पॉपकॉर्न। ओके तो बॉयज मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, एंड ये वाला व्लॉग जो है इतने रखते हैं ठीक है, चलो होप करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।